यह पल, यह वक्त, यह समय इंतजारी का है, लेकिन वक्त बदलते समय नहीं लगता। इंतजारी के समय में हमारा मनोबल और आत्मविश्वास ही हमें मजबूती प्रदान करता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक की शिक्षक भर्तियों का इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। आप सभी लोग भी इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो यह भर्तियां अब आने को है। ऐसी सुखबुगाहट है कि जल्द ही आपको शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियों की सौगात मिलने वाली है। LT ग्रेड हो गया, TGT PGT हो गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गई। इन्हीं के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तैयारी जारी रखें, तैयारी को कभी भी बंद मत रखिएगा, क्योंकि यह जो है भर्ती है, जब ये आएगी तो इसका एक पद यदि आपको लेना है तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि कितना समय मिले और कितने समय में ये परीक्षाएं हो जाए। अभी आपने देखा कि जब नई सरकार का गठन हुआ तो पहली प्राथमिकता में प्राथमिकता भी थी कि जितने विभाग में जितने भी पद खाली हैं उनका जल्दी से जल्दी अध्याचन लेके और सबसे पहले यहां पर कार्य किया जाए, क्योंकि इस चुनाव में जब नई सरकार बनी तो ये पाया गया कि सबसे मजबूत पक्ष केवल रोजगार ही था और भर्तियां ही थी जहां पर ये सरकार बैकफुट पर थी। तो अब नया सवेरा है, एक नई सरकार है और हम सब लोग आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से नई नई खुशखबरी, नई नई जानकारियां, नई नई चीजें हम लोगों को प्राप्त हों, भर्तियों के रूप में हमें ऐसी सौगात मिले जिससे हमारे सपनों को उड़ान मिल सके। अभी आपने देखा एक पत्र का मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। यह जो पत्र है एक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रेषित किया गया है 28 तारीख को। मैं पत्र को थोड़ा बड़ा करता हूं, आप लोग देख लें, 28 मार्च 2022 को किया गया है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि ये TGT PGT है और TGT PGT के इन पदों पे जो ये भर्ती है, तो जितने भी पद खाली हैं इसमें साफ साफ लिखा गया है कि उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए लिखित करना है कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय ने अपने पत्र दिनांक 26 मार्च 2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई अपेक्षा अनुसार, मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं सभी विभागों को, उन निर्देशों के अनुसार जितने भी पद आपके यहाँ खाली हैं सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रेषित किया गया है कि आप 30/3/2022 तक जितने भी पद खाली हैं इनके अध्याचन प्रेषित करने की कृपा करें। मतलब कब तक? मार्च तक, मार्च की अंतिम तारीख तक आपके पदों के अध्याचन मांगे गए हैं। तो एक सकारात्मक सूचना है, बढ़िया है, अध्याचन मांगे गए हैं, अध्याचन के बाद ही भर्ती आती है। तो जब अध्याचन मांगे गए हैं तो भर्ती का रास्ता भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि चाहे प्राथमिक वाले हों चाहे माध्यमिक वाले हों, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, आप अपने मनोबल को कमजोर मत होने दीजिए। आने वाले समय में, आने वाले कार्य दिवसों में आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन आप मजबूत रहिए ताकि जब आपको मौका मिले तो आप उस मौके को अच्छी तरीके से भुना सकें, है ना। टारगेट बेतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा साथ है। यह छोटी छोटी जानकारियां हम सकारात्मक रूप से लेते हैं तो नकारात्मक भाव जो हमारे मन में है वो छटते हैं और हम एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सकारात्मक रहिए, आप अपनी कॉपी किताबों को उठाइए, बहुत दिनों से आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ी हुई है, और निश्चित रूप से आप इस तरफ जुट जाइए, क्योंकि यह भर्तियां अब जल्दी ही आने को है। निश्चित रूप से आप लोगों को आने वाले समय में जो आपने सपना देखा है शिक्षक भर्ती का, वो भी मिलेगी और आपको आपका पद भी मिलेगा और हम और आप मिलकर फिर प्रसन्न भी होंगे कि आपको शिक्षक भर्ती मिल गई। तो एक और शिक्षक भर्ती की सुखबुगाहट है, पहले से ही चल रहा था, ऐसा नहीं कि अभी है, चुनाव से पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब किसी भी दिन किसी भी समय आपको ये सूचना मिल जाएगी कि यह भर्ती आने को है। तो तैयार रहिए, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल। टारगेट बेतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है आपको सर्वश्रेष्ठ सर्व करने के लिए। यह सब भर्तियां जब आएंगी तो हम मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।